गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, DSN इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के बारे में बात करेंगे। उसका अपना चैप्टर चल रहा है 09 लाइट प्रकाश। प्रकाश के बारे में अपन ने कई सारी बातें पिछले वीडियो में करी है, जैसे प्रकाश का परावर्तन अपन ने पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। गोलीय दर्पण के भी दो भाग हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और दोनों के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन होता है और किस किस तरीके से प्रतिबिंब की रचनाएं होती हैं वो सब अपन ने पढ़ा है। फिर अपन ने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा था, 1/m बराबर 1/u + 1/v, ये दर्पण सूत्र होता है जिसके बारे में भी अपन ने पीछे के वीडियो में चर्चा करी है। इस दर्पण सूत्र को अपन ने वेरीफाई भी किया है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन ने कुछ उदाहरण भी अपने बुक के किए हैं। फिर इसके बाद अपना टॉपिक था आवर्धनता, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन आवर्धनता कहते हैं, और उससे रिलेटेड भी कुछ अपन ने एग्जाम्पल किए हैं और अपन ने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी है। तो ये एक तरीके से अपना इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया परावर्तन। अब अपन प्रकाश का अपवर्तन जो कि इसका दूसरा पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन। पहले अपन ने परावर्तन पढ़ लिया था, अब होगा ये अपवर्तन। अब ये अपवर्तन की घटना किस तरीके से होती है, इसे अपन अपवर्तन कहेंगे, और ये किस तरीके से होता है वो अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तन कहते किसे हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, बीच में पृथक्कारी पृष्ठ होता है, तो प्रकाश किरण एक माध्यम से उस पृथक्कारी पृष्ठ को पार करते हुए दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है, पहुंचती है, तो प्रकाश की इस घटना को अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको आप नोट करेंगे, इसकी डेफिनेशन, जब प्रकाश एक माध्यम से बातों पर निर्भर करती है, इसको कौन कौन प्रभावित करते हैं
घर पे एक गिलास लेना, कांच की गिलास, उसमें पानी भरना और उसके अंदर आप जो है एक सिक्का डालना और फिर उस सिक्के को आप देखना, आप देखेंगे कि वो सिक्का जो है पेंदे से ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे सिक्का बहुत बड़ा होकर ऊपर उठ रहा है, ठीक है, वो एकदम पेंदे पर फर्श पर आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये किस कारण संभव हो रहा है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण संभव हो रहा है। अपवर्तन की घटना हो रही है क्योंकि अपन बाहर से देख रहे हैं, यानी कि अपना माध्यम फर्स्ट माध्यम हो गया और जो पानी वाला माध्यम वो सेकेंड माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसका क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है और इसी कारण वो अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे आप दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, आप उसी गिलास में एक पेन या पेंसिल को रखिए, तो पेन या पेंसिल को आप उस गिलास के अंदर रखते हैं तो आपको मिलेगा कि पेंसिल जो है आपको अंदर से मुड़ी हुई नजर आएगी। वास्तव में आप सीधी पेंसिल काम में ले रहे हो, लेकिन आप जब पानी में उसको डालोगे तो आपको वो मुड़ी हुई नजर आएगी। वो मुड़ी हुई का मतलब है कि वहां प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो ये सब घटनाएं जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण संभव हो पाती है। अब मैं आपके सामने एक अच्छा डायग्राम बनाता हूं जिसके माध्यम से हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। मैंने साथ आप भी बनाएंगे। ये मैं ले रहा हूं पृथक्कारी पृष्ठ। यह माध्यम जो है फर्स्ट सेकंड कैसे पता चलता है ये फर्स्ट है सेकंड है? तो एक माध्यम सघन होता है और एक माध्यम होता है विरल। चाहे ऊपर का विरल है नीचे का सघन हो सकता है या ऊपर का सघन है नीचे का विरल हो सकता है। तो ये माध्यम जो है जैसे अभी के अनुसार में ले रहा हूं ये फर्स्ट माध्यम है, ये अपना सरल माध्यम है, सरल माध्यम। और दूसरा जो माध्यम है वो है सघन। ये जो सरल माध्यम है इसको अपन विरल माध्यम भी कह सकते हैं। सघन की सरल की बजाय इसको आप कहेंगे विरल माध्यम, तो ज्यादा ठीक रहेगा विरल। विरल माध्यम का मतलब क्या हुआ? ऐसा माध्यम जिसके कण जो है अणु जो है वो थोड़ा दूर दूर है, ठीक है, वहां प्रकाश का गमन जो है वो इजी भी हो सकता हो जाएगा, है ना। और दूसरा जो माध्यम है सघन माध्यम है, इसका मतलब वहां जो है कण जो है अणु आसपास है वहां प्रकाश का गमन आसानी से नहीं होगा, उसका वेग जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो सघन माध्यम। तो दो माध्यमों पर पृथक्कारी पृष्ठ के ऊपर और नीचे ले लिए हैं। अब अपन लेते हैं कोई प्रकाश किरण, जैसे ये प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ आपकी इस तरीके से ये आने वाली एक प्रकाश किरण है जिसको अपन कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण है और अपन ने परावर्तन की घटना में पढ़ लिया है। ये जो आपतित किरण होती है ये अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है? आपतन कोण बनाती है, जिसको अपन लिखते हैं आई से, स्मॉल आई से आपतन कोण लिखा जाता है, ठीक है। अब जब ये इस पृथक्कारी पृष्ठ पर आपतित हुई टकराई इससे, तो ये इससे टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जाती है। ये दूसरे माध्यम में गई इस तरीके से दूसरे माध्यम में चलेगी। तो जब निकलकर जाने वाली किरण होगी तो ये यहां इस पृष्ठ पर इसमें क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, इसकी दिशा जो है वो बदल गई, जिस एंगल से आ रही है वो कोण बदल गया, ठीक है।
ठीक है। तो इस अपवर्तित जो होने वाली किरण है इसको अपन नाम देते हैं अपवर्तित किरण, क्या लिख देता हूं मैं, अपवर्तित किरण, यानी कि इस प्रकाश किरण का क्या हो गया है, अपवर्तन हो गया है। ये अपवर्तित किरण जो है ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको अपन कहेंगे आर, ये आर नोटेशन दे दिया। अब आर को नोटेशन दे दिया है, ये कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, और ये आपतित किरण जो बना रही है वो आपतन कोण। मैं थोड़ा इसके साइड में लिख देता हूं, आई जो है अपना वो है आपतन कोण, और आर जो है वो है अपवर्तन कोण। ठीक है, आई को कोण बनाना है आपतित किरण, इसलिए आपतन कोण, और अपवर्तित किरण कोण बना रही है आर, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अपने कोण भी बन रहे हैं। अब ये जो एंगल है देखने से भी मैंने इसी तरीके से बनाया कि ये एंगल अपने को बड़ा नजर आ रहा है, ये वाला भाग बड़ा है, कोण बड़ा है, ये छोटा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर माध्यम कौन है विरल, और नीचे क्या है सघन, तो विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जो होती है उसका वेग अधिक होता है। जैसे मैं मान लू इसका वेग वी वन है, और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है उसका वेग जैसे वी टू है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस घटना के अकॉर्डिंग, यहाँ जो है वी वन जो है वो कम होगा और वी टू ज्यादा होगा। ये वी वन और वी टू क्या है, ये वेग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रकाश के वेग की बात कर रहा हूँ। यानी कि अपवर्तन की घटना में जो भी प्रकाश है उसका वेग क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, और वो किस तरीके से परिवर्तित होगा, किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा कि प्रकाश कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में गमन कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ सघन माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है तो उसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये उल्टा हो गया थोड़ा, प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा, यानी कि आपतित किरण का वेग ज्यादा होगा और अपवर्तित किरण का वेग कम होगा। यानी कि इस स्थिति में जब वेग कम हो जाता है तो जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के क्या हो जाती है, नजदीक आ जाती है, पास आ जाती है। इसलिए कोण आर जो है वो छोटा है और कोण आई क्या है, बड़ा है। तो जब वेग इस तरीके से बदलेगा तो कौन बदलेगा, कोण बदलेगा, यानी कि कोण आई जो होगा वो छोटा, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, ये बदलेगा। यानी कि इस स्थिति में जो आपतन कोण का मान होगा वो ज्यादा होगा जिससे अपवर्तन कोण से, ठीक है। यानी कि जब प्रकाश किरण सरल माध्यम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब के नजदीक आती है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए आपतन कोण जो है उसका मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है, यानी कि अपवर्तन कोण जो है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से जाती है, अगर इसी को अपन दूसरी कंडीशन के रूप में देखें, यानी प्रकाश किरण अगर नीचे से जा रही है सघन माध्यम में जा रही है विरल माध्यम की ओर, तो विरल माध्यम में वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी, यानी कि वो बड़ा एंगल बनाएगी। उस स्थिति में जो अपवर्तित किरण होगी उसका आप जो अपवर्तन कोण होगा वो ज्यादा होगा। छोटे समय आपको इधर डायग्राम बनाकर उस कंडीशन ले लेता हूँ। ये जैसे पृथक्करण प्रश्न है, ये अपना अभिलंब है, अगर ऊपर अपन ने ले लिया सघन माध्यम और नीचे अपन ने ले लिया विरल माध्यम, तो सघन माध्यम से जो प्रकाश किरण आएगी वो विरल माध्यम में और वो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि यहाँ जो बनने वाला कोण होगा आई वो कम हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये आई और आर कहाँ निर्भर हो रहे हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, माध्यम पर निर्भर। तो दो बातें अपने को ध्यान रखनी है कि प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि सरल यानी कि विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के नजदीक आती है, अभिलंब की ओर
बात आप याद रखेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इस तरीके से दूर हट जाएगी, यानी कि उसका जो अपवर्तित कोण है वो बढ़ जाएगा। इसके बनिस्पत आई के बनिस्पत यानी कि आपतन कोण से आर का मान जो वो ज्यादा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन बनेगी। लेकिन अभी अपन इसको एक ही डायग्राम में इसको समझ रहे हैं, तो ये सब बातें अपने दिमाग में ध्यान रखनी है, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो अपन अपवर्तन की सारी घटनाएं पढ़ेंगे तो वहां ये कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने अपवर्तन की घटना को डायग्राम द्वारा अपन समझ रहे हैं। और अगर इसमें अपन देखना चाहें तो और क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए यहाँ वी वन रे है और यहाँ वी टू रे है, अपन ने कंडीशन ली है वी वन ज्यादा है और वी टू जो है वो कम है, तो अपना आई कम आई ज्यादा होगा और आर जब वो कम होगा। ठीक है, ये किस पर निर्भर करेगा? प्रकाशीय सघनता पर निर्भर करेगा। एक यहाँ रिजल्ट में आपको और बता देता हूं, जो निर्वात होता है वहां जो प्रकाश है वहां सबसे ज्यादा वेग होता है उसका निर्वात में, तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग वो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आप ध्यान रखेंगे सीधा कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक, और वो कितना होता है? वो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सबसे ज्यादा वेग होता है प्रकाश का और निर्वात में होता है। सामान्यतः निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वही किस में होता है? हवा में होता है। इसलिए हवा को जो है वायु को अपन निर्वात के रूप में कई जगह अपन मान लेते हैं, क्योंकि आगे अपना एक नया टॉपिक आ रहा है जिसमें अपवर्तनांक बढ़ेंगे, तो निर्वात और हवा का अपवर्तनांक जो है वो लगभग बराबर होता है, समान होता है। तो जहां विरल माध्यम की अपन बात करेंगे तो वहां अपन हवा लेंगे सामान्यतः, और जब सघन माध्यम की बात करेंगे अपन तो उसको अपन क्या लेंगे? पानी ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि विरल माध्यम जहां जहां अपन बात करेंगे, यानी कि जैसे ऊपर अपने हवा है और नीचे जैसे पानी है, उसमें अपने को ये परावर्तित अपवर्तन की घटना जो है वो देखने को मिलेगी बहुत आसानी से, इस तरीके से अपने को ये मिलेगा। आप जो ये प्रत्यक्ष प्रश्न लेंगे इसको सामान्यतः अपन कांच के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, एक कांच की प्लेट लेगी और उससे अपने को ये अपवर्तन की घटना जो है वो अपने को देखने को मिलेगी, अपन उस समय माध्यम अपन बदल लेंगे। नेक्स्ट अपन इसके बारे में बात करें तो ये अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की परिभाषा आप इस डायग्राम से, इससे रिलेटेड सारी बातें आप समझ सकते हैं। फिर अपने लेता हूं अपवर्तन के नियम। जैसे अपन ने परावर्तन में परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, उसी तरीके से इस अपवर्तन की घटना में भी अपवर्तन के दो नियम हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। तो पहला अपना नियम है, टॉपिक हो जाएगा अपना अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। और पहला नियम देता हूं, जो पहला नियम है वो परावर्तन की घटना में जो नियम था वही अपवर्तन की घटना में नियम था। आप ध्यान याद कीजिए कि परावर्तन में पहला नियम कौन सा था? पहला नियम था आपतित किरण वहां परावर्तित किरण था, लेकिन यहां वो कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण वह तीसरी क्या चीज थी? अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपने परावर्तन का भी पहला नियम था और यही अपने अपवर्तन की घटना होगी वहां भी पहला नियम यही रहेगा, यानी कि आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीन
कौन, ध्यान आया होगा आपको नोटेशन में लिखा है आपतन कोण का आई, पुस्तक में लिख देता हूं मैं आई, आपतन कोण की ज्या, यानी मैं समझाया वो ज्या, ज्या और कोज्या क्या होता है, ज्या मतलब होता है अपना साइन थीटा, साइन के रूप में अगर हम लिखते हैं वो ज्या कहा जाएगा, यानी कि आई का ज्या है इसका मतलब साइन आई है, क्या है वो साइन है, और ऐसे कोज्या होगा तो वहां क्या लिखा जाता है कोस थीटा, यानी यहां पर बात होती है तो कोसाइन को अपन लिखते हैं, कोसाइन कोज्या और ज्या मतलब साइन थीटा की बात हो रही है, तो आपतन कोण आई की ज्या व अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का नोटेशन क्या लिखा था याद करिए आर लिखा, ये अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, नियत होता है, स्थिर रहता है, ये अपना क्या है अपवर्तन का दूसरा नियम है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में सीधा आता है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, अब इसके कोई दूसरे रूप भी है जो मैंने लिखा है इसको मैं घड़ी के रूप में लिख देता हूं, अर्थात इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आपतन कोण की ज्या, इसका मतलब साइन आई, ओके अपोन अनुपात अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, साइन आई और साइन आर इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या होता है स्थिर होता है यानी कि नियतांक होता है, कॉन्स्टेंट रहता है नियतांक, ओके ये अपना अपवर्तन का दूसरा नियम है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कॉन्स्टेंट नियतांक, ठीक है कॉन्स्टेंट नियतांक उसको अपन देख सकते हैं, ये अपना अपवर्तन का दूसरा नियम है, और इस नियम को एक दूसरे नाम से भी अपन जानते हैं, और वो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्नेल का नियम, अब जब स्नेल का नियम पूछा जाएगा तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बुक में स्नेल के नियम के नाम से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन अपने अपवर्तन का दूसरा नियम जो है वो ही स्नेल का नियम है, तो यहाँ एक लाइन और लिखना अपने को कि इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, एक नंबर में सीधा क्वेश्चन आता है स्नेल का नियम लिखो और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अपने को पता ही नहीं कोई टॉपिक ही नहीं, क्योंकि स्नेल का नियम नाम से कोई टॉपिक नहीं, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है यानी कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक कॉन्स्टेंट, इसे ही अपन क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं, इसको अपन दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, या कर आप दूसरे शब्दों में भी इसको लिखेंगे वो भी परीक्षा में पूछ किया जाता है, इसी नियम को एक दूसरे अनुपात के रूप में लिखते हैं अपन अपवर्तनांक के रूप में, इसे ये जो स्नेल का नियम लिखा है इसे माध्यम दो का माध्यम सेकंड का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं, यानी कि ये जो अपन ने स्नेल का नियम लिख रखा है इसे अपन अपवर्तनांक को किसे लिखते हैं म्यू से लिखा जाता है, अपवर्तनांक के रूप में भी इसको अपन लिख सकते हैं, वो क्या होगा तो देखिए आप जो स्नेल का नियम है उसे अपन अपवर्तनांक के रूप में भी लिख सकते हैं, और वो भी कैसे माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष, यानी कि
यहाँ अपन अगर बात करें कि अपना पहला जो माध्यम है अगर वो हवा है, कंडीशन लगाए कि यदि माध्यम फर्स्ट जो है, माध्यम फर्स्ट हवा है, हवा या उसको अपन क्या कर सकते हैं निर्वात है, ज्यादा बढ़िया निर्वात दे देता हूँ मैं, निर्वात है निर्वात जब होगा तो माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। फिर क्या कंडीशन बन जाएगी, माध्यम का, माध्यम का सेकंड की बात करना ही नहीं, एक निर्वात है और एक दूसरा कोई माध्यम है, तो माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक यहां लिखता हूं, देखिए किसी माध्यम का निर्वात के साथ, यानी कि कोई भी एक माध्यम है सेकंड माध्यम होगा, ठीक है, और दूसरे फर्स्ट माध्यम के लिए मैंने क्या ले लिया निर्वात, तो किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा उसे अपन कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या कहेंगे इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मैंने सबसे पहले आपको अपवर्तन का दूसरा नियम लिखा, ठीक है, वो था आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो स्थिर रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको अपने लिखा साइन आई ओवर साइन आर बराबर नियता, और उसी को भी क्या दूसरा नाम है स्नेल का नियम, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है स्नेल का नियम लिखो, और स्नेल का नियम के नाम से कोई टॉपिक ही नहीं है, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो कहीं था ही नहीं, तो ये था ये अपवर्तन का दूसरा नियम जो था उसी को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है, और फिर स्नेल के नियम को भी अपवर्तनांक के रूप में कैसे लिखा, तो अपवर्तनांक के रूप में लिखते हैं कि माध्यम दो का, माध्यम सेकंड का, माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं, वो म्यू टू वन यानी कि सेकंड का फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक वो साइन आई एम साइन आर होता है, यानी कि अपवर्तनांक भी क्या होता है स्नेल का नियम ही अपवर्तनांक है, ठीक है, और फिर अपन ने यहाँ एक और कंडीशन ले ली कि यदि माध्यम फर्स्ट जो है वो निर्वात है, यानी कि वो वैक्यूम में कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है, वहां कोई भी गड़बड़ नहीं है, प्रकाश जो है पूरी स्पीड से जा सकता है, और प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है ये भी मैंने बता दिया आपको, ध्यान आ गया होगा 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, सबसे ज्यादा होता है वेग प्रकाश का वो निर्वात में होता है, तो अपन ने फर्स्ट माध्यम जो है वो निर्वात दे दिया, तो निर्वात देने पर अपने ये कंडीशन जो थी ये कैसे बन गई, यहाँ माध्यम फर्स्ट की जगह निर्वात कर दिया, तो अपने को सेकंड माध्यम लेने की आवश्यकता नहीं, यहाँ अपने सिर्फ क्या कर दिया कोई भी एक माध्यम है, ठीक है, तो इसी को मैंने इस रूप में लिखा कि किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, यहाँ केवल एक माध्यम हो गया और माध्यम दृष्टि भी क्या है निर्वात, बीच में देखो कहा, तो किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसे हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, तो परिभाषा जो निरपेक्ष अपवर्तनांक की पूछी जाए तो भी यहाँ से वो निकलेगी, यहाँ से अपने सामने बनकर आएगी, इसी को अगर अपन निर्वात की जगह हवा लेते हैं तो इसको वेग के रूप में भी अपन लिख सकते हैं, यानी कि हवा में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, उसे भी अपन म्यू से अपवर्तनांक के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ चलो मैं रब कर देता हूं एक बार, अगर अपना पहला माध्यम जो है वो हवा है, यदि माध्यम जो है वो हवा ले लें, हवा के लिए वायु के लिए बात करते हैं अपन, तो वायु के लिए अपन अगर म्यू लिखना चाहें तो वो अपन लिख सकते हैं v1 / v2, का मतलब क्या हो गया हवा में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, ये जो हवा लिए कौन सा माध्यम है, ये पहले माध्यम की बात कर रहा हूं, फर्स्ट माध्यम मैंने हवा ले ली, निर्वात की जगह हवा ले ली, तो हवा में प्रकाश का
वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश वेग या प्रकाश का वेग। अब ये जो हवा में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, V1 अपॉन V2 दो भी क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, यानी अपवर्तनांक जो है साइन आई अपॉन साइन आर भी होता है, V1 अपॉन V2 भी होता है। अब ये अपन बात करें तो ये अपवर्तनांक जो है वास्तव में किस पर निर्भर कर रहा है, अपवर्तनांक, ये जो अपवर्तनांक किस पर निर्भर कर रहा है, ये कर रहा है माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति, ठीक है, माध्यम की प्रकृति पर और प्रकाश के रंग पर। रंग को अपन जो है सामान्यतः रंग से रिलेटेड कौन होता है, तरंग दैर्ध्य, यानी कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर उस माध्यम में जो है वो अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक को डिपेंड करेगा। कुछ अलग अलग माध्यमों के लिए सीधा रिजल्ट अपने को दे रखा है कि अपवर्तनांक जो है उनका क्या रहता है। जैसे निर्वात की बात करो मैं तो निर्वात का अपवर्तनांक जो होता है वो एक होता है, ये भी आप थोड़ा नोट कर लेंगे, सीधा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको ध्यान रहेगा। एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ मैं पदार्थ देता हूं और दूसरी तरफ उनका अपवर्तनांक क्या होता है वो लेता हूं, एक ऐसी टेबल अपन बनाते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लिया निर्वात, ठीक है, निर्वात के लिए जो अपना अपवर्तनांक होता है वो होता है एक, ये विमानहीन होता है इसको मात्रक में होगा अपवर्तनांक। दूसरा अगर लेता हूं मैं हवा, ठीक है, तो हवा के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो अपवर्तनांक होता है लगभग एक के पास, यानी कि 0.003 का रखना बहुत पीछे है 0.003, तो ये एक और ये 1.003 ये दोनों लगभग एक जैसे मान है, इसलिए मैंने कहा था कि निर्वात और हवा जो है वो लगभग एक जैसे मान है, उनमें प्रकाश का वेग है वो समान रूप से रहता है, ज्यादा उसमें अंतर नहीं आता। और अगर अपन पानी की बात करें, जैसे लेंगे पानी, तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। अगर पानी की जगह अपने केरोसिन काम में लिया है, केरोसिन, तो फिर उसका अपवर्तनांक थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो होता है अपना 1.44। और अपन सामान्यतः इसकी बात करते हैं, कांच की भी बात करते हैं, जब अपन अपवर्तन की घटना पढ़ते हैं तो कांच से ही कराते हैं, सामान्यतः कांच से कराते हैं, तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5, पीछे जीरो भी कर सकते हैं, नहीं तो 1.5 होगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके सामने लिखे हैं, कुछ और आपके बुक में दे रखे हैं, आप उनको देखेंगे। सबसे ज्यादा हीरे का अपवर्तनांक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रकाश को मोड़ने का वो काम करता है, वो हीरा करता है, अपवर्तन उसमें सबसे ज्यादा होता है। जैसे यहाँ निर्वात और हवा अगर अपन माध्यम लेते हैं, यानी फर्स्ट माध्यम में निर्वात ले लिया, सेकंड माध्यम में हवा ले ली, तो वहां अपवर्तन जो होगा बहुत कम होगा, क्योंकि दोनों के लिए अपवर्तनांक की मान जो है वो दोनों इक्वल है, तो वहां पे प्रकाश किरण आपको सीधी की सीधी, यानी कि बिना उसका अपवर्तन हुए वो प्रकाश सीधा सीधा आपको गमन करता हुआ नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि कोई प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं है, ठीक है, न तो प्रकाश जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा और न अभिलंब से दूर हटेगा, ऐसी कंडीशन आपको नजर आएगा। इसलिए सामान्यतः अपन इन दोनों को एक मान लेते हैं, और दूसरे फर्स्ट माध्यम होता है, और सेकंड माध्यम में अपन या तो लेते हैं पानी या अपन लेते हैं सेकंड माध्यम में कांच, ये सेकंड माध्यम के रूप में अपन ज्यादा काम में लेते हैं, और निर्वात हवा को अपन फर्स्ट माध्यम के रूप में लेते हैं, ताकि अपवर्तन की जो घटना है अपन उसको आसानी से देख सके, ठीक है। अपवर्तन की घटना में सामान्यतः अपन ने अभी अभिलंब की ओर मुड़ता देखा है, अभिलंब से दूर भी हटते हैं, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल अपने को अपवर्तन की घटना का दे रखा है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, आप लोग देखना सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है वो अपने को लाल रंग का दिखाई देता है, और वो सूर्यास्त से कुछ देर बाद तक भी अपने को नजर आता है, और सूर्योदय के कुछ पहले ही अपने को नजर आता है,
अपना कह रहा है कि सूर्य सूर्य उदय होने के पहले ही नजर आता है और सूर्यास्त होने के बाद भी नजर आता है, ये क्यों होता है? थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के रूप में समझाता हूं। जो अपन नियमित रूप से देखते हैं अपने आंखों के सामने घटना होती है लेकिन अपन उसको कभी समझे नहीं अपन ने, तो साइंस के रूप में अगर देखेंगे जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी के चारों तरफ जो है क्या है, वायुमंडल है, ये अपना वायुमंडल है, ओके। और इधर ये अपने जैसे यहां मैं खड़ा हूं पृथ्वी के पृष्ठ पर अपन रहते हैं, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जैसे यहां है, यहां एक क्षैतिज रेखा बना, ये क्या होगी, क्षैतिज रेखा, यानी कि आधार सीधी रेखा। अब मैं बात कर रहा हूं आपको कि सूर्योदय से पहले अपने को सूर्य नजर आता, देखिए कैसे नजर आता, जैसे ये क्षैतिज रेखा है कि जमीन होगी और सूर्य हमारा यहां, ये अपना सूर्य। अब ये वास्तव में तो क्षैतिज यानी जमीन से क्या है, नीचे है, अपने को दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहां से आने वाली प्रकाश किरण जैसे ही इस अपने माध्यम में आएगी, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है, वो एक माध्यम है जो कि बाहर निर्वात से वो सघन माध्यम है, ये बाहर जो होगा अपना ये विरल माध्यम होगा और इधर अपना ये अंदर जब आएगी प्रकाश किरण ये सघन माध्यम है, अंदर अपना सघन माध्यम है, तो ये जो प्रकाश किरण है अपन जानते हैं ये जैसे क्षैतिज रेखा ये क्या करेगी, अभिलंब का काम करेगी, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, अपने तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है ना। इधर जो आई होगा वो छोटा हो जाएगा इधर आर से, तो ये अपने को मुड़ जाएगी, यानी कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है तो उसकी आंखों में नजर आएगी, यानी उसको सूर्य नजर आएगा। अगर उसके प्रतिबिंब की बात करें, अगर मैं यहाँ पीछे बढ़ाऊं तो वास्तव में अपने को सूर्य यहाँ नजर आएगा, ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब होगा, वास्तव में नहीं होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, लेकिन अपने को ये दिख जाएगा पहले। तो ये किस घटना के कारण होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश किरण जो है वह ब्रह्मांड विरल माध्यम से इस वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल यानी सघन माध्यम में आती है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अपने सामने सूर्य क्षैतिज रेखा से अंदर होने के बाद भी, यानी पृथ्वी से नीचे होने के बाद भी अपने को दिख जाता है ना। और ऐसी घटना होती है सूर्यास्त के समय भी, ठीक है, जब वो अस्त हो जाता है उसके बाद ही अपने को नजर आएगा, दिखेगा कुछ समय के लिए, वो भी किस कारण हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। ऐसे अपन और उदाहरण ले रहे, तो दो तीन उदाहरण और दे रखे हैं, उनको थोड़े वो लंबे हैं तो उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अच्छी तरीके से उनको समझेंगे, वो एग्जाम्पल अपने बड़ी कक्षाओं में भी जब अपन साइंस पढ़ेंगे तो 11th में भी काम आएंगे, तो उनको बहुत तसल्ली से बहुत आराम से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज अपन ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा है कि अपवर्तन क्या है, ये कैसे दो माध्यमों में प्रकाश की घटना संभव हो पाती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है, और इस अपवर्तन के नियम क्या क्या है, उन नियम को अपन और किन किन नामों से जानते हैं, ऐसी सभी चर्चाएं करी है। आपको इस क्लास में कोई भी डाउट लगता है तो आप स्कूल के नंबर दे रहे हैं, ये 9887239568, इस नंबर पर आप बताएंगे तो मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। और अपने स्कूल से आपको जो क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ये क्लास आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, चैनल से बने रहेंगे, हमारे व्यूज जो है बढ़ते रहेंगे, तो हमें उत्साह मिलेगा और हम अच्छे से अच्छा और आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।